हाय गाइस, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, क्या आप भी चाहते हैं अपने लाइफ को इजी बनाना? अगर चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको ऑल इन वन इंडियन प्रोडक्टिविटी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड चैटिंग ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको यूज़ करके आप अपने वर्क को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन का नाम है ईजी टू चैट। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ऐप टूटोरियल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। राइट नाउ यहाँ पर इस एप्लीकेशन पे आपको 15 लैंग्वेजेस का सपोर्ट दिखने को मिल जाता है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने नंबर से लॉगिन कर लेना है। दैट्स इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत ही इजी एंड यूजर फ्रेंडली यूआई दिखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस, बात करते हैं इस एप्लीकेशन के फीचर के बारे में। हालांकि देखा जाए तो इस एप्लीकेशन पे आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले जो फीचर आपको मिलता है वो मिलता है टास्क असाइन का। अब गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो होम स्क्रीन पे आपको प्लस का आइकन मिलता है, जिस पर क्लिक करते ही आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है टास्क ऑप्शन। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किसी को भी टास्क असाइन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप अपने लिए टास्क क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे कि गाइस अगर आपको आज कल या एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा टास्क कंप्लीट करना है, तो उसका यहाँ पर आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं, सो दैट आपको हमेशा रिमाइंड दिया जाए कि आपको ये टास्क इस दिन कंप्लीट करना है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख सकते हैं आपको सेल्फ टास्क एंड टू डू का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने लिए टास्क क्रिएट कर सकते हैं। एंड टास्क क्रिएट करना भी बहुत ईजी है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आप चाहे तो किसी को टास्क असाइन भी करवा सकते हैं, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, स्टाफ मेंबर या किसी भी पर्सन को टास्क यहाँ पर दे सकते हैं, एंड उनको एक रिमाइंडर चला जाएगा दैट उनको ये टास्क कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उनको आप सिंपली उन पर क्लिक करके उनको टास्क असाइन करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप चाहे तो किसी ग्रुप को भी टास्क यहाँ पर दे सकते हैं। अब जैसे कि गाइस अगर आप एक टीचर हैं एंड आप चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देना, तो आप सिंपली अपने ग्रुप में उस टास्क को असाइन करवा सकते हैं एंड आपके स्टूडेंट ईजिली उस टास्क को कम्प्लीट भी कर पाएंगे। चलिए गाइस अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पर आप टास्क को क्रिएट कर सकते हैं। तो टास्क क्रिएट करना बहुत ईजी है। सिंपली आपको टास्क का टाइटल, इंस्ट्रक्शन ऐड करना, आपको ऐड लिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप लिस्ट ऐड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल गाइस अगर आप एक हाउस वाइफ हैं एंड अपने हस्बैंड को शॉपिंग लिस्ट भेजना चाहते हैं, तो वो आप इजीली यहाँ से भेज सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको अटैचमेंट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप किसी भी तरह का इमेज, वीडियो, ऑडियो फाइल, लोकेशन, ये सब कुछ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जो आपका काम है वो एक फिक्स इंटरवल में कंप्लीट हो, जो टास्क है उसको एक फिक्स इंटरवल टाइम में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पर नीचे में आपको रिपीटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं जो आपका टास्क है वो फिक्स रिपीट, मतलब कि वो रिपीट करे, अगर कोई आप ऐसा टास्क है जो हर एक हफ्ते करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर फिक्स रिपीट को इनेबल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा फीचर आपको मिल जाता है जो कि है डायनेमिक रिपीट। अब जैसे कि गाइस इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। जैसे कि अगर आपको 5 तारीख को अपना बिल पे करना है, तो यहां पर गाइस आप फिक्स रिपीट पे जब आप करते हैं तो आपको अगले हफ्ते, अगले महीने 5 तारीख को रिमाइंड किया जाता है। लेकिन अगर बाई चांस आपने 5 तारीख को पे नहीं किया, अगर आपने 20 तारीख को पे किया, तो आपका जो रिमाइंडर वो फिर से 5 तारीख को ही रिमाइंड किया जाता है टास्क। लेकिन डायनेमिक रिपीट में ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक रिपीट में अगर आपने 20 तारीख को पेमेंट किया है बिल का, तो आपको अगले 20 तारीख को ही रिमाइंड किया जाता है, जिससे कि गाइस डायनेमिक रिपीट में आपका जो इंटरवल है वो मेंटेन रहता है। तो गाइस इसी तरह आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको मीट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर गाइस आप मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करना, तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मीटिंग क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब गाइस अगर आपको किसी के साथ भी मीटिंग पे बात करना है, तो वो आप इजीली इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहे तो यहाँ पर ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटिंग क्रिएट करना भी बहुत ईजी है। सिंपली आपको टाइटल, इंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ ऐड करना है, अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं, स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम। लाइक अगर आप चाहते हैं जो आपका मीटिंग है वो 30 मिनट्स का हो, तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं मीटिंग जो आपका है वो रिपीट करें, तो वो भी यहाँ पर आप रिपीटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा ये फीचर मिल जाता है, आपको वर्चुअल मीटिंग एंड फिजिकल मीटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर जैसे कि आप वर्चुअल मीटिंग करना चाहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करना चाहते हैं, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फिजिकल मीटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको कहीं पर जाना है मीटिंग अटेंड करने के लिए, लाइक अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी ऑफिस में जाके मीटिंग अटेंड करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर उस ऑफिस का लोकेशन ऐड कर देना है। एंड लोकेशन ऐड करते ही आपको पहली बार तो टास्क का रिमाइंड आएगा कि आपको जाके इस लोकेशन
लोकेशन पे मीटिंग अटेंड करना है। एंड अगर आप उस लोकेशन पे मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं तो आपका जो मीटिंग है वो ऑटो अटेंड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप वर्चुअल मीटिंग एंड फिजिकल मीटिंग दोनों मीटिंग यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा इस एप्लीकेशन पे आपको एक और बहुत अच्छा फीचर मिल जाता है कि जब भी आप यहाँ पर मीट क्रिएट करते हैं तो आपको किसी को भी इन्विटेशन लिंक या किसी को भी रिमाइंड करना नहीं है कि आपको इस मीटिंग को ज्वाइन करना है। सभी लोगों को ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर चला जाएगा दैट आपको इस समय इस मीटिंग को ज्वाइन करना है, जिससे कि पहली बार तो आपका भी समय बचेगा, आपके जो पार्टिसिपेंट हैं जिनको मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है उनका भी टाइम बचेगा। साथ ही साथ आपको एक और अच्छा फीचर मिल जाता है कि मीटिंग से 30 मिनट्स पहले सभी को रिमाइंडर चला जाता है कि इनको 30 मिनट बाद एक इस मीटिंग पे ज्वाइन करना है, जिससे कि उन सभी को पहले ही पता चलेगा कि 30 मिनट बाद एक हमारा मीटिंग है। एंड साथ ही साथ जैसे ही मीटिंग का टाइम होगा, लाइक आपने 1 बजे मीटिंग रखा है तो 1 बजे सभी लोग को एक कॉल चला जाएगा एंड कॉल सिर्फ सभी को रिसीव करना है। रिसीव करते ही सभी लोग इजीली मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे। तो गाइस इसी तरह आप इस एप्लीकेशन पे मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं एंड किसी से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन पे आपको और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कॉलिंग का फीचर मिल जाता है। आप किसी से भी वीडियो कॉलिंग वॉइस कॉलिंग पे बात कर सकते हैं, चाहे तो आप ग्रुप में भी वीडियो कॉलिंग वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर चैटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आप किसी से भी यहाँ पर चैट कर सकते हैं, ग्रुप में भी चैट कर सकते हैं, आप चाहे तो कितने भी ग्रुप्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। एंड बेस्ट थिंग यहाँ पर आपको सेल्फ नोट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने लिए नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये एक ऑल इन वन एप्लीकेशन है जहाँ पर आप टास्क क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए या किसी को टास्क असाइन कर सकते हैं, मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर सकते हैं, कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, चैटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। एंड एक चीज़ आपको ये भी बता देता हूँ, यहाँ पर जो कॉलिंग एंड मीटिंग का ऑडियो है या वीडियो क्वालिटी है वो आपको बहुत ही अच्छा दिखने को इस एप्लीकेशन में मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे टैब्स मिल जाते हैं, जैसे कि पहला जो टैब है वो है टुडे टैब, जहाँ पर आपको आज के जितने भी वर्क्स हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है वो दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि कौन कौन से टास्क हैं जिनको आज आपको कंप्लीट करना है, उसके अलावा आज कौन कौन से मीटिंग है जो आपको अटेंड करना है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर आपको बर्थडे रिमाइंडर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बर्थडे आप रिमाइंड नहीं कर पाते, तो उनका यहाँ पर रिमाइंडर आपको आ जाता है, लाइक इनका आज बर्थडे है, आप उनको डायरेक्टली विश कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कई सारे इमेजेस मिल जाते हैं, वो आप यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करके उसको सेंड करके आप उसको बर्थडे विश कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप टास्क कंप्लीट करते हैं उस पर आपको टिक भी शो होता है। तो इसी तरह टुडे टैब पे आपको आज के जितने भी वर्क्स हैं वो दिखने को मिल जाएगा एंड आप उसको यहाँ पर कंप्लीट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको टास्क टैब दिखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपके जो भी टास्क हैं वो दिखने को मिल जाएगा, उनको कब कंप्लीट करना है, क्या क्या उसमें टास्क है, वो सारी डिटेल्स आपको टास्क टैब में दिखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको मीट टैब मिल जाता है, जहाँ पर आपके जो भी मीटिंग्स है जो आपको अटेंड करना है वो दिखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कॉल टैब दिखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको सारी कॉल डिटेल्स दिखने को मिल जाएगी, आपने किससे कब बात किया वो सारी डिटेल्स दिखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको चैट टैब दिखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने सभी चैटिंग को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो ग्रुप में चैटिंग कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल से बात कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप किसी भी तरह के फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, इन सभी को आप जैसे सेंड करते हैं चैटिंग ऐप में, वो सारे फीचर्स आपको दिखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर दिखने को मिल जाता है, जो कि ऑटो ट्रांसलेशन का। अब गाइस जैसे कि अगर आपको किसी भी पर्सन ने किसी अलग लैंग्वेज में मैसेज किया तो वो ऑटो ट्रांसलेट हो जाता है आपके लैंग्वेज में, अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया अपना लैंग्वेज तो वो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है, जिससे कि गाइस बहुत ही ईजिली आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर कोई इंटरनेशनली पर्सन से आप बात कर रहे हैं एंड अगर वो फ्रेंच में आपको मैसेज करता है तो वो ऑटो ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में, इसी तरह अगर आप इंग्लिश में मैसेज करते हैं तो उसको वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा फ्रेंच में। तो इसी तरह आप इजीली किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अगर इंडिया की बात करो तो इंडिया में अलग अलग आपको लैंग्वेजेस दिखने को मिल जाता है। अगर कोई साउथ इंडियन पर्सन है वो अगर तमिल में बात करता है आपसे तो वो आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर आपको ऑटो ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको यूज़ करके आप इस एप्लीकेशन के थ्रू सभी से बातें कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको इजी डू बॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप कई सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, जैसे कि एक्सचेंज रेट, वेदर रिपोर्ट, रियल टाइम फ्लाइट स्टेटस, इन सभी की इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। जैसे कि अगर आपको दिल्ली का वेदर जानना है कि अभी वेदर कंडीशन कैसा है, तो आपको सिंपली दिल्ली वेदर सर्च करना है एंड उसका जो कंडीशन है, लाइक वेदर कंडीशन है, वो यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन इजी डू बॉट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा इजी डू असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपको कई सारे रिमाइंडर, नोटिफिकेशन, स्टेटस अपडेट, एक्टिविटीज, इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको दिखने को मिल जाती है। तो गाइस इसी तरह आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपने लाइफ को ईजी बना सकते हैं, अपने जो भी वर्क्स है उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा अपने मोबाइल
मोबाइल में। मैं भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ अपने सारे वर्क्स मीटिंग को अटेंड करने के लिए। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी इन्वाइट कीजिएगा ताकि वो भी अपने लाइफ को ईजी बना सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।